दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा लघु शोध एवं शोध परियोजना विषय पर शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के गोरखनाथ साहित्य केंद्र में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर ज्योति बाला ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को पूरे समय सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने वाली है। ये प्रक्रिया विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता का सर्वोत्कृष्ट विकास करने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रस्नातक पाठ्यक्रम में लघु शोध एवं शोध परियोजना का स्थान दिया गया है। लघु शोध कार्य से हमारे विद्यार्थी शोध के विभिन्न तरीकों को सीखते हैं। इसी प्रकार शोध परियोजना भी कम समय में सुनियोजित तरीके से कार्य को प्रोत्साहित करती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह, डॉक्टर विवेक शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, शिक्षा नीति 2020 में शोध और अनुसंधान पे विशेष जोर दिया गया है। इसी निमित्त आज महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग से गोरखनाथ साहित्य केंद्र के अंदर एक शोध परियोजना, लघु शोध और बृहद शोध पे एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन है, जिसमें शोध के विभिन्न पहलुओं, मसलन की शोध की सामाजिक उपादेयता होनी चाहिए, शोध अनुभव जन्य होना चाहिए और शोध परिकल्पना का निर्माण करते समय किन बारीकियों का, तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारे पहलुओं की जानकारी देने के लिए आज प्रोफेसर ज्योति बाला, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग की प्राध्यापिका हैं, वो विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं।